वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वॉल ज्ञान का पिटारा। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आया हूं सरफेस एरिया वॉल्यूम का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑप्शनल एक्सरसाइज का। एन ऑयल फनल मेड ऑफ टिन शीट कंसिस्ट ऑफ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग सिलेंड्रिकल पोर्शन अटैच्ड टू अ फ्रस्टम ऑफ कोन। इफ द टोटल हाइट इज 22 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 8 सेंटीमीटर एंड diameter of top of the funnel is 18 cm, then find the area of the tin sheet required to make funnel। दोस्तों, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, सपोज कि अपने पास एक ऑयल फनल है जिसमें सिलेंड्रिकल नेक है जिसकी, और इसके ऊपर एक फ्रस्टम ऑफ कोन लगा हुआ है। टोटल हाइट ऑफ फनल दिया हुआ आपको 22 सेंटीमीटर एंड सिलेंड्रिकल नेक जो है उसकी हाइट दे रही है आपको 10 सेंटीमीटर, और जो फ्रस्टम ऑफ कोन है उसका डायमीटर आपको दिया हुआ 18 सेंटीमीटर एंड सिलेंड्रिकल नेक का डायमीटर दिया हुआ आपको 8 सेंटीमीटर, और आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टिन शीट रिक्वायर्ड टू मेक द फनल। तो दोस्तों, इसका टोटल आपको एरिया निकालना है, तो अपन इसमें निकालेंगे सीएसए ऑफ द फनल, दैट मीन्स सीएसए ऑफ द फ्रस्टम प्लस सीएसए ऑफ सिलेंड्रिकल नेक। तो इसका जो एरिया होता है, एरिया ऑफ टिन शीट इक्वल टू आएगा अपने पास सीएसए ऑफ फ्रस्टम प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर। तो सीएसए ऑफ फ्रस्टम होता है दोस्तों पाई एल आर वन प्लस आर टू एंड सीएस ऑफ सिलेंडर होता है 2πR1H, क्योंकि इसमें जो रेडियस है वो डिफरेंट है, तो अपन इसको R1 मान लिया, इसको R2 मान लिया। तो दोस्तों, अपने पास R2 जो है वो है 18 सेंटीमीटर, क्योंकि R2 अपने को D2 दिया हुआ 18, तो R2 हो जाएगा 18/2, दैट मीन्स 9 सेंटीमीटर, और जो R1 है वो 8, तो R1 जो है वो हो जाएगा D1/2, दैट मीन्स 8/2 हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है हाइट ऑफ सिलेंडर, तो हाइट ऑफ सिलेंडर जो दोस्तों अपने पास है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल नेक अपने पास दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और फ्रेंड्स अब आपको यहां पर टोटल अपने को निकालना है, क्योंकि टोटल हाइट अपना 22 है, उसमें से 10 अगर ये है तो अपने पास जो हाइट ऑफ फ्रस्टम बचेगा फ्रेंड्स वो बचेगा 12। तो हाइट ऑफ फ्रस्टम आएगा अपने पास, हाइट ऑफ फ्रस्टम आएगा टोटल हाइट 22 माइनस हाइट ऑफ सिलेंडर 10, दैट मीन्स 12 सेंटीमीटर। अब आपको दोस्तों यहां पर जो अपना फॉर्मूला है उसमें पाई एल आर वन प्लस आर टू है, तो आपको यहां पर एल निकालना, एल मीन्स स्लांट हाइट। तो दोस्तों, स्लांट हाइट का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर। तो दोस्तों, अपने पास एल स्क्वायर आएगा, तो अपना एच है हाइट ऑफ फ्रस्टम वो है 12, तो जाएगा 12 स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2, दैट मीन्स R1 अपने पास आ चुका है 4 और R2 आ चुका है 9, तो दोस्तों आ जाएगा 4 माइनस 9 होल स्क्वायर, तो अपने पास L स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस 4 माइनस 9 होता है दोस्तों माइनस 5, एंड माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, दैट मीन्स ये बन जाएगा 169। तो अपने पास जो स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम आएगा दोस्तों वो आएगा L इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 169, दैट मीन्स 13 सेंटीमीटर। अब फ्रेंड्स, अपन को निकालना है एरिया ऑफ टिन शीट, तो उसके लिए अपन